क्या आपके साथ भी ये APS ट्रांजेक्शन करने में ये एरर आ जा रहा है जो मेरे को बार बार आ रहा है, जो आपको दिख रहा होगा आसपास यहाँ पे डिस्प्ले पे? और अगर आप भी पीनियम कस्टमर हैं और आप APS ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे किसी भी बात से, तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि इसका कुछ सॉल्यूशन है भी कि नहीं, और क्या पीनियम का दिक्कत कहाँ आ रही है, और पीनियम इतना अच्छा सर्विस देता है, लोग कहते हैं पर देता भी है कि नहीं, क्यों इतने टाइम से दिक्कत आ रही है। तो जो भी आ रही है उसकी पूरी पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं, और इसका कोई सॉल्यूशन कब तक मिल पाएगा, हो रहा है कि नहीं। अगर आपके हाथ कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो तो हमें बताइए कमेंट में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मैं आपका ट्रबल शूटर। तो ऐसे वीडियो के लिए मैं चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बात ऐसी है ना कि अभी रिसेंटली मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी एक महीने पहले ही मैंने सोचा पे नहीं है भाई की कोई भी मतलब APS ट्रांजेक्शन करने स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आसपास मेरे पास बहुत बंदे आते थे भाई क्या कहते हैं मेरे आधार से बैलेंस निकाल दे, तो इस हफ्ते मेरे को जरूरत पड़ती थी। मैं सोचा क्या करूँ, एक लेता हूँ ID, क्योंकि मैं जनरली मैं थोड़े छोटे बहुत काम कर लेता हूँ रिचार्ज वगैरह, तो इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं था। तो मैं सोचा कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं सोचा सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है। तो मैंने एक यूट्यूब पे ही चैनल भी देखा था, यूट्यूब पे चैनल के आप बहुत सारे ढूंढेंगे बेस्ट APS सर्विस एप्लीकेशन कहिए सर्विस कहिए कौन देता है, तो दो तीन कंपनियाँ आती हैं, स्पाइस मनी आती है, पे नियर बाय, डिजी पे, बहुत सारी आती है। तो उसमें से एक था पे नियर बाय। मैं सोचा था पे नियर बाय काफ़ी अच्छी सर्विसेज है, क्योंकि ये इंस्टेंट हाथों हाथ हो जा रहा, तो इनकी कहते हैं स्टार्टिंग फीस भी 500 रुपये, तो मैं सोचा ये काफ़ी सही है, क्योंकि और सब 1000 रुपये ले रहे थे और सब और इंस्टेंट जा रहा था, तो मैं सोचा ये लेना सही रहेगा, तो मैंने ले लिया। और सब फ्री मिलता है, ले फ्री करे उनको काफ़ी जहाँ करना पड़ता था, इसलिए मैं सोचा यही ले लेते हैं, इसी की ID लेते हैं पे नियर बाय की, क्योंकि उन्होंने कहा था बहुत अच्छी कंपनी है, ट्रस्टेबल कंपनी है और इनका सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छा है। और एक हाँ ये कहा था ये कंपनी कमीशन कम देती है, क्योंकि इसका सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। इसलिए मैं सोचा सर्विस सपोर्ट अच्छा है, कि सबसे बेस्ट क्या होता है, आपको सर्विस की कभी दिक्कत हो तो आप कॉल करें तो आपको रिजल्यूशन मिल जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन मेरे साथ इसका बहुत पूरा उल्टा हुआ है। तो बात ऐसी है कि मैं जैसे ले ली इसकी ID, मैंने इनके लिए से मैंने APS सर्विस ले ली, इनके एप्लीकेशन पर जाके मैंने 520 रुपये समथिंग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, इसलिए कुछ चार्ज लग के 520 रुपये पेमेंट की, और APS से मेरी क्या कहते हैं मेरी सर्विस एक्टिवेट हो गई, तो उससे दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहते हैं एक्टिवेट हुई, क्या उनको KYC करनी थी, तो KYC करने के लिए मैं क्या गया अपने दोस्त के पास गया, वहाँ से उसके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस थी, उससे मैंने अपने KYC कर ली। उसके बाद सोचा करना है, तो मैंने अपनी खुद की एक इनके फिंगरप्रिंट डिवाइस मंत्रा MFS 100 मैंने मंगाई थी, उसकी मैं वो भी मंगा लिया, जिसकी इनके आते जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने अपलोड की है, वो आपको कहीं दिख लेगी, आपको दिख जाएगी वीडियो। मैं डिवाइस मंगा तो ली, इसके मैंने मैं यूज़ करने लगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ कि एक टाइम और इनका सबसे बड़ी दिक्कत एक दो प्रॉब्लम एक और आपको बताऊंगा मैं, कि पंगा चल रहा है कि आप और सब बैंकों से आप किसी बैंक से निकालिए कोई पंगा नहीं हो, एक आध बैंकों से टाइप होता है दिक्कत नहीं होती है उसे चलता है, लेकिन इनका ऐसा है इनका तो है कि किसी भी ग्रामीण बैंक से आप किसी रुपये नहीं निकाल सकते, कि ग्रामीण बैंक से आप रुपये नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका टाइप नहीं रखा, पता नहीं क्या इन्होंने पंगे काट रखे हैं, जो भी है नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही मेरे पास प्रथमा ग्रामीण बैंक मेरे आस पास है, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक, तो वहाँ पे बहुत उसके कस्टमर है मेरे पास, मतलब कस्टमर के बहुत मतलब जितने भी कस्टमर हैं सब उसी के कस्टमर हैं, क्योंकि पास है तो ज़्यादातर लोग उसी के बैंक अकाउंट होगा उनके लोगों के पास, तो आते हैं निकालने। तो मैं क्या कहते हैं पहले तो अपने अकाउंट से मैं अपने अदर अकाउंट जो उनके मम्मी पापा के जितना अकाउंट है उससे मैंने ट्राई करके देखा, और एक और मेरा अकाउंट था मम्मी का था वो प्रथमा बैंक का था, मैं यूज़ करके देखूँ तो वो नहीं हो रहा था, ना उससे ट्रांजेक्शन हो रही थी ना बैलेंस चेक हो रहा था। मैं सोचा शायद मेरे अकाउंट बहुत टाइम से बंद है, तो इस कारण शायद नहीं यूज़ हो रहा होगा, नहीं चेक हो रहा होगा, तो मैं कहा ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरे एक दिन अगले दिन बंदा आया, क्योंकि देखो औरत आई मेरे पास चेक कराने प्रथमा बैंक का, तो उसका ऐसा हुआ चेक कर रहा हूँ हो ही नहीं पा रहा, बार बार 10 बार फिंगरप्रिंट उसका एक्सेप्ट करवाया, मतलब डिवाइस टच कराया, बहुत बार फिंगरप्रिंट लिया तब भी नहीं हो पाया, तो मैं उसको कस्टमर को भेज दिया। वैसे एक और कस्टमर आया तब भी दिक्कत आई निकालने चला, और फिर तीसरे टाइम ऐसा हुआ कि जब मैं निकालने चला तो वहाँ पे एक स्क्रीन आ गई जो आपको दिखा दूँ, यहाँ पे दिख रही हो जिससे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो वो आई स्क्रीन आ गई। अब वहाँ पे क्या रिटेलर वेरिफिकेशन का क्या रिटेलर वेरिफिकेशन ही सो वहाँ रिटेलर वेरिफिकेशन बोल रहा, तो वहाँ पे अपना मैं आधार कार्ड एंटर किया, फिर अपनी डिवाइस कनेक्ट की, फिंगरप्रिंट स्कैन करता हूँ, स्कैन दबाता हूँ, फिर अपने फिंगर स्कैन करता हूँ, फिर थोड़ी देर लोडिंग होती है, फिर लोडिंग होने के बाद वहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है, क्या था मैसेज आता है रेसिडेंट ऑथेंटिकेशन फील्ड, जिसका मेरे को ठीक से मतलब समझ नहीं आया कि आया क्यों इसका मतलब, क्योंकि मैं कहता एड्रेस सही है मेरा सब क्या कहता वो जो मैं आपसे मैं सब सही कर रखा है, तो आपसे दिक्कत नहीं थी, दिक्कत क्यों आ रही है। मैं कहा चल छोड़, मैं इनकी कस्टमर सर्विस तो है ही बहुत तगड़ी, क्योंकि है इनका सर्विस सपोर्ट काफ़ी अच्छा सुना है, तो मैंने कॉल किया कस्टमर सर्विस को, और यकीन मानिए मैंने क्या कॉल किया था कैसे 20-25 दिन पहले कॉल किया था, और उसके बाद से अब रोज़ाना कॉल कर रहा हूँ तब भी कुछ काम नहीं बन पा रहा।
ये इस मतलब इनका सोच लीजिए मेरा सपोर्ट कितना इनका गंदा हो रखा है कि एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये ठीक से नहीं दे पा रहे। और एक ही और सबसे गजब बात क्या है इनके, अगर आप याद रखें अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे 10 लोग अपनी अलग अलग सॉल्यूशन बताएंगे और 200 किसी का एक सॉल्यूशन काम नहीं करता है, किसी का एक सॉल्यूशन काम नहीं करता क्या कहते हैं। और इनका ये भी है कि आपको कहता है सिंपल खुद KYC करने के अलावा कहते हैं फिंगरप्रिंट से आपने KYC कर ली 3 बैंक या RBL YBL पता नहीं 2-3 KYC आपको करने के बाद आपको अलग से KYC करना नहीं पड़ती है, आपको व्हाट्सएप पर आपको वीडियो बना के डालनी पड़ती है, तो वो भी मैंने करवा रखी है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पहली बात तो उन्होंने कहा, पहली बार कॉल की तो उन्होंने कहा था आपका कहते हैं ना कोई दिक्कत आ रही हम चेक करते हैं, उन्होंने चेक किया तो बताया कि आपका आधार पिन क्या कहते हैं बायोमेट्रिक लॉक है। तो मैं कहा ठीक है, मेरे को जहाँ तक लग रहा था मैं तो लॉक नहीं है क्योंकि अनलॉक कर रखा था, तब मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मैं एम आधार नाम की एप्लीकेशन है जो आप जानते होंगे मैंने वो डाउनलोड की और अपना आधार में लॉक नहीं था, मैंने दोबारा लॉक किया फिर वापस अनलॉक किया, वो आधार भी अनलॉक किया लॉक करके फिर अनलॉक किया। बायोमेट्रिक भी जानते हो दो चीज़ें होती हैं, बायोमेट्रिक और आधार लॉक दोनों अलग चीज़ होती हैं, दोनों लॉक करके वापस अनलॉक किया फिर भी नहीं हुआ। तो मैं वापस कॉल किया तो कहना है कि आपकी KYC नहीं है, व्हाट्सएप जो KYC मैंने वो भी कर रखी है। तो कहना है आपके फिंगरप्रिंट डिवाइस में कोई दिक्कत है, मैंने दूसरी फिंगरप्रिंट डिवाइस से मैं ट्राई किया तब भी दिक्कत आ रही, फिर मैंने क्या दूसरा आपके मॉल में दिक्कत है, फिर आपके मॉल से मैं दूसरे मॉल से ट्राई किया तब भी दिक्कत आ रही सेम वही प्रॉब्लम। मतलब जी जो बातें होता नहीं सब अलग अलग कस्टमर केयर से बात हुई है, मतलब हर बार अलग अलग बंदों से। फिर एक बार कह रहे हैं कि आपको क्या कहते हैं, और ये सबसे गजब बात क्या है जब मैं इसे जाता हूँ कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे जाता हूँ वहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, वहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल करता हूँ सब कुछ करने के बाद जब करता तो वहाँ से हो जाता है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आती, वहाँ पे ना कोई स्क्रीन आती है और वहाँ पे ऐसा है। लेकिन वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे प्रथमा ग्रामीण किसी भी बैंक ग्रामीण बैंक मतलब कहते हैं RRB जो होती है उन सबसे बैलेंस नहीं विड्रॉ नहीं होता है और सबसे हो जाता है कंप्यूटर से, लेकिन मोबाइल से करने पर यही प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब भी आप मोबाइल से विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो यही स्क्रीन आती है रिटेलर वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन नहीं होता। और यकीन मानिए मैंने इसे और एक बार कहा तो आपने एक बार दिन में 5-6 बार कर दिया, अब कल करिए कल हो जाएगा, तो मैंने कल भी किया कल भी नहीं हुआ। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आने की कि AIP सर्विस हो ही नहीं पा रही हो और इतनी गंदी सर्विस है, 1 महीने से इन्होंने सॉल्व नहीं कर पाई। और सब बंदे अलग अलग बोलते हैं आपका ये है आपका वो नहीं है वो और सब कुछ मेरा सही होता है, मैंने इतना सुनाया इन लोगों को। तो उसके बाद मैं सोचा क्या किया जाए, तो मैंने इनको फेसबुक कॉमेंट क्या करते हैं वहाँ पे प्ले स्टोर पर जाकर नीचे इनको रेटिंग दी एक नंबर एक स्टार दी और नीचे बहुत सा उनको कहते हैं मैंने बताया आपकी सर्विस में ये ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो फिर अगले दिन फेसबुक में मैसेज आया, मैसेज नहीं आया हाँ मेरे को उसके कहते हैं रिव्यू के नीचे मेरे कमेंट आया कि आप इस लिंक पर आइए और हम फेसबुक मैसेज करिए। तो मैंने फेसबुक पर उन्हें मैसेज किया तो मैसेज कर उनका कॉल आता है तो उन्होंने और ये जो मैं बताया ना RRB से रुपये नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उनके साथ टाइप में कोई दिक्कत हो रखी है, ये मेरे को कस्टमर सर्विस ने नहीं बताया था जब तक मैं उन्हें कॉल कर रहा था, किसी ने नहीं बताया था, वो तो मेरे को बाद में पता चला जब मैंने इनको मैसेज किया वो फेसबुक पर जब इनका आया तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे RRB बैंक की ग्रामीण बैंक है जो उनसे दिक्कत आ रखी है, इस चक्कर में हम रुपये नहीं निकल पा रहे हैं किसी ग्रामीण बैंक से। तो मैंने कहा अच्छा ये दिक्कत है। फिर उन्होंने दूसरी बात ये कहा कि कहते हैं आपकी ये दिक्कत आ रही है तो हम सॉल्व करते हैं, इन्होंने एक बार कॉल किया कहा आप अपने मंथली डिवाइस वालों से बात करिए, डिवाइस जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उससे बात करिए। तो मैंने इनके कहने पे अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस जो मंत्रा MFS 100 है तो मैं इसलिए मंत्रा के कस्टमर केयर सर्विस पर कॉल किया, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी फिंगरप्रिंट डिवाइस आगे कंप्यूटर में चल रही है दूसरे मॉल में चल रही है तो हमारे फिंगरप्रिंट डिवाइस में कोई इशू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब उनका कहना क्योंकि मैं भी मान सकता हूँ कि उनके फिंगरप्रिंट में कोई डिवाइस नहीं है क्योंकि मैं दोस्त उससे यूज़ किया अपने डिजी पे से निकाला रुपए फिर दूसरे सर्विस से निकाल रहा तो उससे भी चल रहा लेकिन मेरे पे नहीं चल पा रहा। तो मतलब दिक्कत इनकी ID में और इनकी ID स्पेशली मैं मोबाइल की ID में कोई दिक्कत आई और दिक्कत है कि अगर प्रॉब्लम है तो बताइए आपके एड्रेस में प्रॉब्लम है, मेरा एड्रेस बताइए मेरे आधार में प्रॉब्लम है किसी में, तो ठीक से वो बता भी नहीं पाए क्या प्रॉब्लम क्या नहीं। और उसके बाद जब मैंने उनको क्या था भेजू कहा तो उन्होंने कहा कि बात करने को तो बात करने दोबारा कहा कि सर ये बता रहे हैं मंत्रा वाले कि उनका कोई दिक्कत नहीं उनके डिवाइस में। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी कहते हैं कस्टमर आपकी कंप्लेंट रेज करते हैं, तो उन्होंने अब तक कंप्लेंट अभी तक रेज ही नहीं करी थी अब कर रहे थे। तो उन्होंने सर्विस नंबर दिया कह रहे हैं आपका क्या था इंक्वायरी नंबर दिया कि आपको तीन दिन में आपके इनके आपको पच जाएगा आपको रिप्लाई आ जाएगा क्या दिक्कत है आपके उसमें। कहा यार अभी तक नहीं आया अब आएगा तब भी देखते हैं। और मैंने कहा अगर ये ना हो तो आप मेरी ID डीएक्टिवेट करिएगा और 500 रुपये मेरे रिफंड कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी ID जो भी उनका ठीक हो जाएगा 3 महीने क्या था 2-3 दिन बाद देख लीजिएगा आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा आपके पे ही नहीं आएगा कि ऐप पे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा क्या दिक्कत है कैसे सॉल्व करना है।
तो देखते हैं अभी कैसे नहीं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता हो, एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता हो तो हमें बताइए, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर नहीं पता हो तो आप भी वेट करिए, आप भी कुछ ना कुछ करिए, मैं भी मेरे को जो रिस्पॉन्स आएगा आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं सॉल्यूशन के साथ या फिर नहीं। तो बाय, सावन टाटा बाबा, आपका ट्रबल शूटर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।